हमारे गोविंद चौधरी जी और उनके साथ शाखा प्रबंधक भी हैं, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे क्षेत्र की विधायक महोदय हमारे बीच आ चुके हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय। प्रवीण जी, प्रमोहन जी और सचिन से मैं कहूँगा उनका स्वागत करें और उन्हें जो उनका स्थान आरक्षित है वहाँ पर
आकर के इसी जो जो चल रहा है एक्सरसाइज का हमारा इसी में प्रतिभाग करेंगे। नसीरिका करेंगे थोड़ा लंबी गहरी सांस और भरे छोड़े। अर्ध चक्र आसन, पैरों के मध्य दो इससे ज्यादा गैप ना हो, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ तटीय प्रदेश पर, अंगूठा पीछे उंगली आगे, टाइट से पकड़ लें ऐसे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए कमर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। जिन्हें ज्यादा चक्कर आता हो वो इस अभ्यास को ना करें। लंबी गहरी श्वास लेते रुके 10 सेकंड, थोड़ा सा तनाव खिंचाव गर्दन में, श्वास लेते वापस, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। थोड़े एक बार करेंगे, श्वास भरते पीछे की तरफ, दस सेकंड रुकने के अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। कुछ अभ्यास बैठने वाले हैं, सभी अपने स्थान पर डर जाए। मूलाधार चक्र के बाद दोनों पैरों के तलवे मिला लें और हाथों से क्लैंप करते हुए, हाथों से क्लैंप करते हुए पीछे खींचे, बटरफ्लाई नहीं करना है, घुटने जमीन की तरफ, कमर सीधा, लंबी गहरी श्वास भरते हुए भद्रासन। बटरफ्लाई नहीं करना है, कई लोग बटरफ्लाई कर रहे हैं, केवल भद्रासन में बैठना है। रिलैक्स, श्वास छोड़ते कमर ढीला छोड़ दें, थोड़े एक बार श्वास भरते हुए भद्रासन। पीछे की तरफ रुके 10 सेकंड,
दोनों पैरों के अंगूठे मिले हों।
हे प्रभु, इस सारे सकल सृष्टि के अंदर सभी प्राणी मात्र सुखी हो, आरोग्य को प्राप्त हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना रहे और शांति। जैसा हमारा योग का प्रोटोकॉल, आज पूरा विश्व लगभग 177 देश हैं जिसमें प्रोटोकॉल संपन्न हुआ हमारा, इसी तरह से पूरी दुनिया में हो रहा है। और जो समय हमने इंद्र देवता से मांगा था वो मिल गया है, उसके लिए सभी देवों का भी धन्यवाद है। और अभी आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कि ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ अपने हमारे पहले से योग की क्लास में और इस कार्यक्रम को लेकर के विगत 3 दिनों से इतने ज्यादा चिंतित अधिकारी को मैंने नहीं देखा, जिन्होंने कई बार मंदिर का भ्रमण किया, लेकिन चीज को व्यवस्थित करने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया। आदरणीय अनिल कुमार जी, SDM मोदी नगर, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी व्यवस्थित करा रहे। भाजपा नेता डॉक्टर जी वो भी हमारे योग साधन में निरंतर आते हैं, योग साधक के रूप में हमें आमंत्रित कर रहे हैं। भाजपा नेता के रूप में योग साधक के रूप में पा रहे हैं। हमें भारत सरकार से हमारे जो कुछ योग साधक थे उन्हें कुछ प्रमाण पत्र आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए थे, तो हम चाहते हैं कि केवल वो प्रमाण पत्र लिखित करके कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी मैं नाम बोल रहा हूं, आयुष जिंदल बहुत जल्दी करके आ जाए। आनंदी देवी, आयुष भोजन कर रहे, मनीष चौधरी आएंगे, अजय भोजन, अनिता चौधरी आएंगे, मंजीत जी, मोहिनी अग्रवाल जी, बबीता शर्मा जी, बहुत जल्दी करके आ रहे हैं। राजीव यादव, कटाती भाटी जी, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे पहले प्रयास निष्काम जत्था और हमारे हिंदू युवा वाहिनी के भी कुछ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हिंदू युवा रक्षक दल, ये सभी जो इस कार्यक्रम में हमारा जिन जिन लोगों ने सहयोग किया हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ये कामना करते हैं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होंगे आप लोग उसमें आएंगे और इस योग महोत्सव में जिस जिस लोगों ने आहुति दिया निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। और पुणे में सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आकर के ऐसे मौसम में आकर के इस योग उत्सव की शोभा बढ़ाई। आप सभी का पुनः बार बार धन्यवाद। ये आप दे
आज हमारे बीच में आयोग की ओर से आप सब लोग यहाँ पे आए और हमारे सरकारी जो मंत्रालय के अनुरूप हम लोगों ने जो कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से किया और मुझे आशा है कि आप लोग इसको निरंतरता बनाए रखेंगे। जनता में क्योंकि स्वस्थ शरीर सबसे पहली जरूरत होती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रह रहा है और अगर दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ हो गए स्वस्थ भारत की हम जिसकी परिकल्पना करते हैं उसको बनाने में हम लोग सफल होंगे। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने सहयोग किया और भारत स्वाभिमान मंच को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग करके हम लोगों को जो है कार्यक्रम सफल बनाया। धन्यवाद। हमारे विधायक जो हमारी योग की कक्षाओं में निरंतर आते रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी इस अवसर पर दो शब्द कहें। डॉक्टर मंजू शिवाजी। आज पूरे विश्व के साथ ये कहिए कि विश्व हमारे साथ योग कर रहा है और आज पुनः मुझे लगता है कि हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और उम्मीद करूंगी कि आप सभी आने वाले भविष्य में रेगुलर योगा करते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।